नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। महिला एशियाई चैंपियनशिप के शेड्यूल में हुआ बदलाव। 13 नवंबर को सोनपुर मेला का उद्घाटन, मेला के उद्घाटन को लेकर आज होगा अंतिम निर्णय। सुरक्षा के मद्देनजर नदी में सुरक्षा घेरा हो रहा तैयार। बालू के बाद अवैध गिट्टी के कारोबार पर शिकंजा, दूसरे राज्यों से गिट्टी मंगवाने पर लेनी होगी अनुमति। गंतव्य तक पहुंचने के लिए जारी होगा चालान। अक्षरा सिंह का पोस्ट हो रहा वायरल, देसी अवतार में नजर आई भोजपुरी क्वीन, फैंस ने उनके लुक की तारीफ की। बिहार के सब्जी और फलों का विदेश में हो रहा निर्यात, भिंडी उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पर। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकसित हो रहे कई इंफ्रास्ट्रक्चर। जानिए ट्रेन में एम कोड वाले कोच क्या होते हैं। थर्ड एसी जैसे मिलती है सुविधा, एम कोड के कोच में थर्ड एसी से किराया होता है कम। BSNL ने क्रांतिकारी सेवा की शुरुआत की, डायरेक्ट टू डिवाइस से बिना सिम के होगा कॉल। जमीन समुद्र और हवा में भी काम करेगा फोन। अब चले बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। GSPSC द्वारा 13,852 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार vsb.dpgujarat.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए 12वीं पास और DLED जरूरी है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के लिए बैचलर, DLED या BEd जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से बिहार में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ये टूर्नामेंट राजगीर खेल अकेडमी के हॉकी खेल मैदान में होगा, जिसमें भारत सहित एशिया की 6 टीमें भाग लेंगी। भारतीय हॉकी टीम के कोच हरिंद्र सिंह और कप्तान सलीम टेटे ने कहा है कि टीम पूरी तरह से तैयार है और ये टूर्नामेंट आने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने भव्य स्टेडियम निर्माण में अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि मैचों के समय में बदलाव किया गया है। अब पहले मैच की शुरुआत 12:15 पर होगी। कीट संक्रमण को रोकने के लिए स्टेडियम में व्यापक पर्यावरण प्रबंधन उपाय किए गए हैं। बिहार से सब्जियों और फलों का निर्यात देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रहा है। हमारा प्रदेश भिंडी उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। यहाँ लीची, फल और सब्जी के निर्यात की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिसका उत्पादन विश्व स्तरीय होता है। बिहार की सब्जियां शारजाह, दुबई और सिंगापुर तक जाती हैं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन, लौकी और परवल आदि शामिल है, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक देखने को मिलती है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा। सोनपुर मेला 2024 का उद्घाटन 13 नवंबर को होगा। इस बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसे लेकर अंतिम निर्णय सोमवार तक लिया जाएगा। मेला क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य मंच, प्रशासनिक आवास, पुलिस आवास और अन्य जरूरी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। मेला स्तर पर साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, सड़क और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। मेला में सरकारी और गैर सरकारी प्रदर्शनियों के साथ साथ पशुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस बार मेला 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए आएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर नदी में सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालय इस डेटा को अपलोड नहीं करेंगे, उनके शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सप्ताह भर के भीतर ये डेटा अपलोड किया जाए, ताकि अक्टूबर नवंबर का वेतन सुनिश्चित हो सके। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति को लेकर गया में शिक्षकों में विरोध है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार लिंग आधारित भेदभाव कर रही है और पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल देने का विकल्प मांग रही है, जबकि बिहार में कोई भी जिला ऐसा नहीं है।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मनपत्थर सीता चरण के बारे में। ये एक धार्मिक स्थल है जो रामायण काल से जुड़ा है। यह स्थान बिहार के मुंगेर में स्थित है। जब श्री राम पर रावण वध का पाप लगा था, उसी दौरान इसे मुनियों की सलाह पर माँ सीता ने छठ किया था। छठ के लिए माँ सीता बिहार के मुंगेर पहुंची थी और पहली बार उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया था। आज भी यहाँ माँ सीता के चरण के निशान है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बालू के बाद अब गिट्टी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग में कई बदलाव कर रही है। नए नियमों के तहत अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने के लिए कारोबारी को पहले खनिज विकास पदाधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके बाद ही गिट्टी के आयात की अनुमति दी जाएगी और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चालान जारी किए जाएंगे। राज्य में गिट्टी खनन केवल गया और शेखपुरा जिलों में हो रहा है, जबकि अधिकांश गिट्टी आपूर्ति झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती है। सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने के लिए गिट्टी के भंडारण स्थलों की जियो टैगिंग, सीसीटीवी कैमरा और धर्म कांटा की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। बिहार में आईटी सेक्टर में 650 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, जिससे 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसमें 12,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 30,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। आईटी नीति 2024 के बाद राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। कई कंपनियां जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, डेटा सेंटर, ड्रोन और लैपटॉप निर्माता निवेश के लिए बातचीत कर रही है। अब तक 20 आईटी कंपनियां विभाग में पंजीकरण कर चुकी हैं। राज्य सरकार में भी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है, जैसे CTRLS 250 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल 268 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अगले वर्ष तक 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। परीक्षा 11 से 18 नवंबर तक दो पालियों में आयोजित होगी। 2025 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को इस सेंटअप परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना ही होगा। यदि विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो बोर्ड की परीक्षा में उन्हें परेशानी हो सकती है। वहीं मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक होने की संभावना है। बिहार सरकार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना चला रही है। इसके तहत 18 से 65 वर्ष के प्रवासी मजदूर जो प्रदेश से बाहर अन्य प्रांतों या विदेशों में जीविकोपार्जन के उद्देश्य से प्रवास कर रहे हैं, उन्हें दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थायी व अस्थायी अपंगता की स्थिति में अनुदान दिया जाता है। मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को 2,00,000 रुपये, अस्थायी पूर्ण अपंगता में 1,00,000 रुपये और अस्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अनुदान लेने के लिए आवेदक खुद या उनके आश्रित बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत RTPS काउंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं। आवेदनों का निपटारा 44 दिनों में होता है। इस योजना के तहत खुद से लगाया गया चोट, नशे के कारण मृत्यु और आपराधिक क्षति जैसे मामले शामिल नहीं होंगे। BSNL ने हाल ही में एक नई और क्रांतिकारी सेवा डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D शुरू की है, जो बिना सिम कार्ड के फोन कॉल करने की सुविधा देती है। ये तकनीक सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क को जोड़ती है और BSNL ने वायासेट के साथ साझेदारी में इसका डेमो दिखाया है। इस सेवा के तहत BSNL ने 36,000 किलोमीटर दूर स्थित वायासेट सैटेलाइट से एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर संदेश भेजा। D2D तकनीक विशेष रूप से कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों जैसे इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदाओं और ग्रामीण इलाकों में उपयोगी हो। ये सेवा जमीन, हवा और समुद्र में भी काम कर सकती है, जिससे कनेक्टिविटी की कमी वाले क्षेत्रों में संचार बेहतर हो सकेंगे। पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका डिजाइन तैयार कर लिया है और परियोजना पर काम शुरू होने की संभावना है। स्थानीय लोग वर्षों से इस सुविधा की मांग कर रहे थे और अब वे इस परियोजना के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट के डिजाइन में 5 एरो ब्रिज, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, वाटर और फायर टैंक, STP पार्किंग और अन्य सुविधाओं का प्रावधान है। हालांकि महासचिव अरविंद कुमार झा ने कहा है कि काम धीमी गति से चल रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कार्य शुरू होगा और पूर्णिया वासियों की ये पुरानी मांग पूरी होगी।
भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी देसी अवतार से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो प्रिंटेड साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही हैं। खुले बाल, हल्का मेकअप और साड़ी के साथ सिंपल येट स्टाइलिश लुक में अक्षरा ने इयररिंग्स, नेकलेस, नोज रिंग और माथे पर बिंदी लगाकर अपने लुक को कंप्लीट किया है। उनका ये देसी लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। अक्षरा के फॉलोवर्स उनके इस खूबसूरत तस्वीरों पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और उनके इस ट्रेडिशनल लुक की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय ट्रेनों में सभी कोच एक जैसे नहीं होते, बल्कि उन्हें उनकी सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग कोच से चिन्हित किया जाता है। हाल ही में शुरू किए गए एम कोड वाले कोच थर्ड एसी इकोनॉमी यानी एसी 3 को दर्शाते हैं। इन कोचों में थर्ड एसी जैसी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इनका किराया और कंफर्ट थोड़ा कम होता है। एम कोड वाले कोच में 72 सीटों की जगह 83 सीटें होती हैं और ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए बेहतर सीढ़ी भी होती है। ये स्लीपर और थर्ड एसी के बीच के क्लास होते हैं। वहीं ए कोड सेकेंड एसी क्लास और डी कोड सेकेंड सिटिंग क्लास को दर्शाता है। एम कोड वाले कोच कुछ ट्रेनों में जोड़े गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ये देश के एक प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म 21 मार्च वर्ष 1916 में बिहार के डुमराव में हुआ था। ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें इनके कला और गुण को देखते हुए इन्हें अमेरिका में बसने का निमंत्रण भी मिला था, लेकिन अपनी देशभक्ति में इन्होंने उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। 21 अगस्त वर्ष 2006 में बिस्मिल्लाह खान हमें अलविदा कहते। आधार कार्ड जिसे UIDAI द्वारा जारी किया जाता है हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये सिम कार्ड लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी है। इसलिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार में दी गई सभी जानकारी सही हो। गलत या पुरानी जानकारी से आपको सेवाओं में समस्या आ सकती है। आधार में आप नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आधार में जानबूझकर गलत जानकारी दी जाती है तो 3 साल की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आधार में नाम सिर्फ 2 बार बदला जा सकता है, जबकि पता बदलने की कोई सीमा नहीं है। नवादा के राज आर्यन ने मणिपुर में आयोजित यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। ये टूर्नामेंट 6 से 10 नवंबर तक भारत सरकार की यूथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से कई बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज आर्यन ने अपनी उम्दा खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी राज आर्यन अंडर 19 में कई मेडल और ट्रॉफियां जीत चुके हैं। उनकी इस शानदार जीत पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तापमान में अधिक गिरावट देखने को नहीं मिल रही। ठंड का अधिक एहसास दिसंबर महीने से होने की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों का तापमान शुष्क रहने वाला है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री देखने को मिल सकता है। आरजेडी सांसद मिसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। मिसा ने कहा कि नीतीश कुमार को बार बार ये गलती करनी चाहिए ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके और राज्य का विकास हो। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ थे तब बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिली और ये गलती ही थी जिसने ये संभव किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के ओबीसी एकजुटता पर बयान के दिए गए बयान का भी मिसा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने जातिगत गणना कराई और आरक्षण बढ़ाया, जबकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर मिसा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए उन्हें अपनी गलतियों को बार बार दोहराना चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के प्रचार जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि दोनों राज्यों में एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा और एनडीए के पक्ष में माहौल है और उपचुनावों में भी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को हरियाणा और जैसे राज्यों में भी सफलता मिली है। बिहार के उपचुनावों पर बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के प्रत्याशी बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भारी मतों से जीतेंगे।
13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा शहर आएंगे और यहां एम्स की आधारशिला रखेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बारे में जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एम्स से उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त कोशिशों का परिणाम बताया है, जो समाज के जरूरतमंद वर्ग की भलाई के लिए काम कर रही है। बिहार में 13 नवंबर को होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव की संभावना है। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत कसो ने तिथि को छठ पूजा के कारण बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में धार्मिक आयोजनों के कारण चुनाव की तारीखें बढ़ाई गई, वैसे ही बिहार में भी छठ पूजा के मद्देनजर उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। यदि तारीख बदलती है तो चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को 18 नवंबर तक का समय मिल सकता है। नताशा और हार्दिक पांड्या ने इस साल जुलाई में अपने 4 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया था और सोशल मीडिया के जरिए तलाक की घोषणा की थी। तलाक के बाद नताशा कुछ समय तक अपने बेटे अगस्त्या के साथ सर्बिया में थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में नताशा ने तलाक, बेटे और हार्दिक के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ी बातें साझा की हैं। नताशा ने कहा है कि भले ही उनका तलाक हो गया हो, लेकिन बेटे की वजह से वे अभी एक परिवार की तरह ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत छोड़कर सर्बिया नहीं जा रही, क्योंकि उनका बच्चा यहीं है। हाल ही में हार्दिक पांड्या ने बेटे से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त किए गए थे। आज के दिन वर्ष 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 2001 में दोहा बैठक में WTO ने भारत का समर्थन किया था। आज के दिन वर्ष 1959 में DY चंद्रचूड़ का जन्म हुआ था। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आज के दिन वर्ष 1888 में अबुल कलाम आजाद और JB कृपलानी का जन्म हुआ था। IIT रुड़की ने गेट 2025 परीक्षा के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 20 नवंबर 2024 कर दिया है। जिन उम्मीदवारों के आवेदन में कोई गलती है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे ठीक कर सकते हैं। सुधार के लिए उम्मीदवार को अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करनी होगी। करेक्शन करने के बाद फीस जमा करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीदवार नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, पेपर, परीक्षा शहर और अतिरिक्त टेस्ट पेपर जोड़ सकते हैं। गेट 2025 परीक्षा 1, 2, 15 और 16 फरवरी को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 19 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूक्रेन। इसका सही उत्तर है सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है UAE। हाल ही में किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अब्दुल्ला फारूक, ऑप्शन बी है ताहिर जमान, ऑप्शन सी है अहमद फैज, ऑप्शन डी है मजहर आसिफ। इसका सही उत्तर है मजहर आसिफ। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी है मध्यवर्ती बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी बिहार। बिहार में शीत ऋतु झंझावातीय वर्षा होने के क्या कारण है? ऑप्शन है मानसूनी हवा, ऑप्शन बी है चक्रवातीय तूफान, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चक्रवातीय तूफान।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है राजू पटेल, छोटू राजा, मोहम्मद सितउद्दीन, अनवर करीम खान, चंद्रमा कुशवाहा, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, राकेश मिश्रा, राजीव यादव, कमलावती कुमारी, जयकरण प्रसाद, प्रमीला कुमारी, नरेश राम, सभ्य झा, रवि मोहन वर्मा, कुश कुमार यादव, पुरुषोत्तम कुमार, धीरज कुमार, राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज्यादा किस फसल की खेती होती है। आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।